हेलो स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी अबाउट द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग का रिएक्शन है इसमें हम लोग कर रहे हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन है ऑक्सीज ओ टू के साथ सबसे फर्स्ट हम लोग लिए टू एम तो ये फॉर्म क्या करेगा टू ठीक है ये आपका सॉलिड स्टेट में है ये गैसियस स्टेट में है तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये भी सॉलिड फॉर्म में हुआ यानी कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है किसकी तरह एज ऑक्सीजन की तरह और वो एडेड हो जा रहा है टू इट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये क्या फॉर्म कर दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को ठीक है अब इसी से रिलेटेड हम लोग जो सेकेंड रिएक्शन कर रहे हैं इसमें आपका रिएक्शन है नाइट्रोजन का रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन इज रिएक्ट एन टू इज रिएक्ट विथ थ्री एच टू देन इट फॉर्म टू एन एच थ्री टू एन एच थ्री मीन्स अमोनिया यहाँ पे एन टू आपका गैसियस स्टेट में है हाइड्रोजन ये भी गैसियस स्टेट में है और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो भी गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन इज रिड्यूसड टू अमोनिया यानी कि एडिशन जो हो रहा है एडिशन होने के कारण हाइड्रोजन के नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है नाइट्रोजन इज़ रिड्यूस्ड टू अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है किसमें अमोनिया में अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर सबसे फर्स्ट ऐसे तो आपका क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर बट इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स होता क्या है इट इज़ एन इमेजिनरी चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इफ ऑल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवेन टू द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम इन ए कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये क्या है एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो कि प्रेजेंट रहता है कहाँ पे एटम में इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इफ़ ऑल द दियर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर जिसमें कि सभी सीअर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गिवन टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ए कोलेंट कंपाउंड जो कि कहाँ पे दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और किस में कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो सबसे फर्स्ट अब हम लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान लिए कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे निकाला जाता है जैसे इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जैसे ये हो गया इसमें आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम यानी कि यहाँ क्रोमियम का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है ठीक है तो ये है क्या कौन सा कंपाउंड है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे फर्स्ट करना क्या होगा कि हम लोग इसमें लेंगे ये है आपका नंबर ऑफ पोटाशियम इस कितना है टू है तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे के प्लस टू सी आर ठीक है प्लस सेवन ऑक्सीजन इक्वल टू ज़ीरो अब हम लोग क्या करेंगे टू पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन प्लस टू क्रोमियम का हम लोग क्या लेंगे एक्स क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को फाइंड करना है प्लस सेवन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो अब क्या होगा टू प्लस टू प्लस टू एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्टीन में से टू जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टूवेल्व इसलिए इस मीन्स एक्स इक्वल टू टूवेल्व बाई टू इक्वल टू सिक्स यानि कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया प्लस सिक्स यही हम लोग को फाइंड करना था तो इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करना बहुत ही इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इसमें क्वेश्चन सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें क्या किए टू के लिए ठीक है टू सी आर लिए प्लस सेवन नो इक्वल टू ज़ीरो टू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन प्लस टू क्रोमियम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है एक्स प्लस सेवन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू इक्वल टू जीरो प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इक्वल टू प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू टूएल्व बाई टू सिक्स यानी एक्स का हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना था एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया वो कितना है प्लस सिक्स अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज इस कंपाउंड का नेम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड अब हम लोगों को इसमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका सल्फर का सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें लेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना है टू hmm. तो टू एच प्लस एस प्लस फोर ऑक्सीजन इक्वल टू जीरो अब क्या होगा हाइड्रोजन का हम लोग सबसे फर्स्ट लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है एक्स प्लस फोर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू इक्वल टू जीरो तो ये हो गया प्लस टू प्लस एक्स ये हो गया माइनस एट इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर का है इन एच टू एस ओ फोर में वो कितना है प्लस सिक्स है सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें क्या किए इसमें टू एच लिए हम लोग फिर प्लस एस लिए प्लस फोर ऑक्सीजन लिए इक्वल टू ज़ीरो टू फिर हाइड्रोजन के प्लेस पे प्लस वन लिए प्लस एक्स प्लस फोर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सिक्स तो ये हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया सल्फर का अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में पोटेशियम पर मैगनेट के एम इसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है किसका एम एन का ठीक है तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें लेंगे के प्लस एम एन प्लस फोर ऑक्सीजन इक्वल टू जीरो पोटेशियम का कितना हो जाएगा प्लस वन प्लस मैंगनीस का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो एक्स लिए प्लस फोर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एट माइनस वन एक्स इक्वल टू प्लस सेवन तो ये हम लोगों ने एक्स इक्वल टू देखिए क्या आया प्लस सेवन एक्स से यहाँ पे आया था एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स तो इसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया किसका ऑक्सीडेशन स्टेट एम एन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने फाइंड किया जो कि एम एन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग लिए के प्लस उसमें लिए एम एन फिर लिए प्लस फोर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे केक ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन फिर प्लस एक्स फिर प्लस फोर माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू एट माइनस वन एक्स इक्वल टू हो गया आपका प्लस सेवन अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का एक सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे करते हैं जैसे ये क्वेश्चन है पीटी सी एल सिक्स माइनस टू ठीक है अब इसमें हम लोगों को फाइंड करना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पी टी का सबसे फर्स्ट हम लोग पी टी का करना है तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस ये कितना है सिक्स सी एल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस टू माइनस टू कर देंगे बस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू प्लस फोर तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड हो गया किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया पी का तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आप लोग समझ गए जिसमें हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या ऑक्सी किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया के टू सी आर टू ओ सेवन का सेकेंड हम लोगों ने किया H2SO4 टू एस ओ फोर का थर्ड हम लोगों ने किया के एम एन ओ फोर का और फोर्थ हम लोगों ने किया पी टी सी एल सिक्स का तो ये हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग जान गए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ठीक है थैंक यू